Hello children, how are you all? I hope you all are fine. Children, आज हम हिंदी में शुरू करेंगे आ की मात्रा. Yes, अब तक हमने दो वर्णों के शब्द, तीन वर्णों के शब्द और चार वर्णों के शब्दों का अभ्यास किया था कि वर्णों होते हैं. आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं आ की मात्रा की, कि हम आ की मात्रा को जोड़कर कैसे शब्द बनाते हैं, आ की मात्रा को हम कैसे लर्न करेंगे. चलिए देखते हैं क्या शुरू करने जा रहे हैं हम. आ की मात्रा, आ की मात्रा, क प्लस आ, ये जो हमारी स्टैंडिंग लाइन है बेटे, जो हमारा ये आपको वन दिखाई दे रहा है, ये है हमारा आ की मात्रा. तो क प्लस, प्लस मीन्स अब तक हम जब दो वर्णों को जोड़कर शब्द बनाते थे तो बीच में प्लस लगाते थे ना, और जब हमारा शब्द बनता था मीन्स ट प्लस ब, क्या बन गया, टब. इसी तरह से बेटे हम आ मात्रा को भी जोड़ते हैं, तो क के साथ अगर हम प्लस करेंगे आ की मात्रा को तो हमारा बन जाएगा का. ये हमारा क नहीं रहेगा, आ की मात्रा को प्लस करने के बाद हमारा बन जाएगा का, और ये हमारी आ की मात्रा है. क को हमने आ की मात्रा लगाई तो वो क्या बन गया, का. ट प्लस आ, ये हमारी क्या है, आ की मात्रा. ट प्लस आ, तो जब हम इसको दोनों को जोड़ेंगे, इनको इकट्ठा करेंगे, तो बीच में जो प्लस है वो हम नहीं लगाएंगे, और ये ट हमारा जो है आ की मात्रा को जोड़ने के बाद बन जाएगा टा. क्या बन जाएगा, टा. प प्लस आ, पा. स प्लस आ, सा. च प्लस आ, क्या बन गया, चा. त प्लस आ, ता. य प्लस आ, या. ज्ञ प्लस आ, ज्ञा. तो ये हमारी है बेटे आज आ की मात्रा. इसको हम क्या बोलेंगे, आ की मात्रा. आ की मात्रा को लगाने के बाद हम कैसे रीड करते हैं ये हम सीख रहे हैं. क प्लस आ, आ मीन्स आ की मात्रा. क प्लस आ की मात्रा, का. ट प्लस आ की मात्रा, टा. क ट प्लस आ, क्या बन गया, टा. क्या बोलेंगे, टा. तो चलिए आ की मात्रा का लिखकर अभ्यास करें. इस पेज पर आज आपका को अभ्यास करना है आ की मात्रा. पहले हम क्या, ये जो आपको वन दिखाई दे रहा है, ये जो स्टैंडिंग लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी क्या है, आ की मात्रा. क्या है ये, आ की मात्रा. तो हम इसको आज, हमें इसके पहले आ की मात्रा की प्रैक्टिस करनी है, और फिर आ की मात्रा को जोड़कर क्या बना वो हम आज अभ्यास करेंगे और इस पेज को पूरा करेंगे. क्या है ये हमारी आ की मात्रा, आ. क्या है, आ. आ, जितनी बार भी आप राइट करेंगे बेटा उतनी ही बार आप स्पीक भी करेंगे. क्या कर रहे हैं हम, आ. क्या, ये क्या है, आ की मात्रा. क्या है, आ की मात्रा. क्या है, आ की मात्रा. अब हमने ऊपर जैसे अभ्यास किया, क प्लस आ क्या बन गया था, का. लेकिन अब हम यहाँ पर प्लस नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर पता चल चुका है कि जब हम आ की मात्रा को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा. अब हमने यहाँ पर क, हम यहाँ पर दोनों को इकट्ठा बोलकर जोड़ने के बाद जो बनता है उसको स्पीक करके अभ्यास करेंगे. ये हमने क के साथ क्या है, ये हमारा आ की मात्रा, लेकिन यहाँ पर हम ऐसे स्पीक नहीं करेंगे, क प्लस आ का नहीं, हम इसको डायरेक्ट रीड करेंगे का. क्या है, क्योंकि ये हमें पहले ही पता चल चुका है कि ये स्टैंडिंग लाइन कहाँ से आई, क्योंकि ये आ की मात्रा है, और आ की मात्रा कैसे आई ये हम पहले सीख चुके हैं कि क में हमने प्लस की है आ की मात्रा, तो ये क्या बन गई है, का. तो हम इसको क्या बोलेंगे, का. क्या बोलेंगे, का, का. अब हम क्या राइट कर रहे हैं, हम राइट कर रहे हैं ख, राइट नहीं कर रहे, हम राइट कर रहे हैं खा. क्या राइट कर रहे हैं, खा. किसका अभ्यास हम कर रहे हैं, खा. अब हमने इसको खा रीड क्यों किया, क्योंकि इसमें आ की मात्रा लगी हुई है. क्या लगा हुआ है इसमें, आ की मात्रा. क्या लगा हुआ है, आ की मात्रा. नेक्स्ट, पहले हम इसको रीड करेंगे, ये क्या है,
देखो इसमें टू स्टैंडिंग लाइन है, अगर हम इसको, ये हमारे पास नहीं है तो ये क्या है, ग, क्या है ये, ग। लेकिन अगर हम इसको दोनों को देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर दो स्टैंडिंग लाइन है। टू स्टैंडिंग लाइन का मतलब यहाँ पर वन हमारी आ की मात्रा ऐड है, तो हम इसको क्या करेंगे, गा, क्या बोलेंगे इसको, गा, क्या बोलेंगे, गा, गा। अब देखिए अगर हमारे पास स्टैंडिंग लाइन ये नहीं है, आ की मात्रा नहीं है, तो ये क्या है, च, क्या है, च। लेकिन अगर हमारे पास ये स्टैंडिंग लाइन है तो ये केवल स्टैंडिंग लाइन नहीं है, ये आ की मात्रा है। तो आ की मात्रा अगर लगी हुई है तो हम इसको च स्पीक नहीं करेंगे, हम स्पीक करेंगे चा, क्या स्पीक करेंगे, चा। क्या स्पीक करेंगे, चा, चा, छा। छा क्या है ये, छ नहीं, आ की मात्रा छ। नाउ रीड, नोट ड, डा, क्या है, डा। अब हमें राइटिंग में भी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन जितनी बार हम राइट करेंगे पहले हम स्पीक करेंगे, क्या है, डा, क्या है, डा। नेक्स्ट, नॉट ओनली त, द, दा, दा, क्या है, दा, धा, ना, पा, बा, भा, मा, या, ला, टा, फा, शा, सा, हा। पहले स्पीक करना है बेटे, फिर राइट करना है। एक बार फिर से रीड कर लेते हैं, का, खा, गा, चा, छा, डा, दा, धा, ना, पा, बा, भा, मा, या, ला, टा, फा, शा, सा, हा। ऐसे ही आपको भी प्रैक्टिस करनी है बेटे, पहले जैसे कि मैम ने आपको रीड करके बताया, आपको ऐसे ही रीडिंग करके पहले समझना है, फिर यहाँ पर रीडिंग करनी है और फिर अपना रिटर्न वर्क कंप्लीट करना है। ओके, करेंगे ना, यस, वेरी गुड, क्योंकि ये हमारा न्यू वर्क है बेटा। जितनी बार हम ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग करेंगे, उतना ही हमें अच्छे से समझ आएगा। ओके, बाय बाय, हैव ए गुड डे।